The houses are very nice, aren't very they? Very nice and very organized. If you go, you know, like further down, you'll find the houses and the playgrounds are in the center. It's really beautiful. Mm. You can even see here, you know, like how very green nice. And how beautiful this area is. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो अभी हम आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के कैंपस है उनका एक टूर कराने जा रहे हैं। और जैसा कि अभिलाष भाई ने बोला और थॉमस भाई ने बोला कि यहाँ के हाउसेस बहुत ही ब्यूटीफुल है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो या दैट्स राइट। एंड और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कि इतने वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स है, ये यार आज का नहीं है, ये 700 साल पुराने हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आप देखोगे 600-700 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और उसी टाइम की जो बिल्डिंग्स है वो अभी तक मेंटेन कर रखी है। तो अब हम जा रहे हैं किंग्स कॉलेज के एकोमोडेशन से किंग्स कॉलेज चैपल की तरफ, जो एक्चुअल किंग्स कॉलेज जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे हम जा रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी थी वहाँ, बिकॉज़ मेन जो कैम्ब्रिज है वहाँ पे स्पेस का बड़ा इशू होता है, तो वहाँ पे हम गाड़ी पार्क नहीं कर सकते थे। तो बिकॉज़ ये मे बी 100-200 मीटर दूर है वहाँ से, तो वहाँ इधर हमने गाड़ी पार्क की है एकोमोडेशन में। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स किंग्स कॉलेज चैपल। और वो जो चैपल जिसकी जहाँ हम जा रहे हैं वो
सेकंड लार्जेस्ट चैपल है, चर्च है सेकंड लार्जेस्ट। और ये देखिए कितना सुंदर ये एक गार्डन है यहाँ पे। तो लेकिन अभी हम लेट हो रहे हैं चैपल जाने के लिए, मतलब मे बी सर्विस वहाँ पे अटेंड करें हम, सर्विस बोलते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये किंग्स कॉलेज की मेन बिल्डिंग है, तो इधर का बेस्ट व्यू हम दिखाने के लिए आपको लेके जा रहे हैं। और आगे जाके देखिएगा काफ़ी अच्छा आने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पे एक रिवर कैम है, रिवर कैम को हम क्रॉस करके तब हम वहाँ से देख पाएंगे रिवर ये चैपल। सो गाइस दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट चैपल इन द वर्ल्ड। चैपल मीन्स चर्च वेयर पीपल डू प्रे, तो सबसे बड़ा चर्च है ये। ये देखिए कैसे पंटिंग का लोग मजा ले रहे हैं। तो ये पंटिंग दो तरह की होती है, जैसे यहाँ पे जो जैकेट डाल रखी है तो ये तो प्रोफेशनल पंटर है, एंड ये जो छोटी है ये पर्सनल इन्होंने अपनी खुद की बोट ले रखी है, तो अपने यहाँ बोटिंग बोलते हैं तो यहाँ पे पंटिंग बोलते हैं पंटिंग। एंड ये एक इनके जो पंट करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, तो चलाना डिफ़िकल्ट होता है लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। और ये चैपल आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट चैपल। एंड ये हमारे फ्रेंड्स है, ये इधर देखिए, इधर आपको दिखाते हैं व्यू दूसरी तरफ। सो गाइस दे हैव टेकन होल बार विद देम, पूरा बार लेके चल रहे हैं। तो ये होती है मजे की लाइफ यहाँ की कैम्ब्रिज की। सब देखिए कितने मज़े कर रहे हैं, समर्स टाइम ना ये बेस्ट टाइम होता है, यहाँ पे लोग सारे अच्छे से मतलब एंजॉय करते हैं। पूरा देखिए व्यू, ये अगेन चैपल। आप बोलेंगे बार बार वही चीज़ दिखा रहा है, लेकिन यार ये दिस इज़ द यू नो समथिंग आउटस्टैंडिंग, बहुत बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज़ है। ये देखिए मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ये, मतलब इतना सारे लोग अच्छे से खुश रहते हैं और कितने अच्छे से मतलब पूरे वीकडेज में बड़ी हेक्टिक है लाइफ, लेकिन जो वीकेंड है वहाँ उस पर बहुत एंजॉय करते हैं। दैट्स सो वंडरफुल। ये जो आगे जो आपको वाइट कलर के जो फ्लावर्स देख रखे हैं, ये जो नेचुरल साइंस के जो बच्चे हैं जो मे बी एग्रीकल्चरल मोथ्स पे जो काम करते हैं वाइल्ड लाइफ वाले, तो उनके लिए यहाँ पे ग्रो कर रखा है। एंड मोथ्स एंड अदर बटरफ्लाई सो दे यूजुअली ग्रो देयर, एंड फिर उस पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसका एक स्पेशल ये इन्होंने फील्ड बना रखा है। तो दैट्स वेरी नाइस। एंड ये चैपल किंग्स चैपल के बिल्कुल सामने है। सो गाइस ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे हैरी पॉटर की भी शूटिंग हुई है, बहुत सारी जो भी आपकी हॉलीवुड मूवीज़ है तो बहुत सारी मूवीज़ में आपने ये सीन देखा होगा। और ये जो सामने बिल्डिंग है यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेन जो सर्विस बोलते हैं जहाँ पे प्रेयर होती है, तो प्रेयर को सर्विस बोलते हैं, तो यहाँ पे मेन सर्विस होती है। और ये देखिए अंदर का पूरा लॉन, जिस व्यू के लिए लोग यू नो तरसते हैं, बिकॉज एंट्री नहीं होती, लेकिन हमारे पास हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं साथ में, एंड ऑल्सो वी आर पार्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी राइट नाउ, सो हमें ईजिली यहाँ पे मिल जाता है एक्सेस। सो दिस इज़ द चैपल एरिया। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो एक घंटे की सर्विस होती है, तो एक घंटे की सर्विस में यू हैव टू बी देयर इनसाइड, सो दैट्स व्हाई। सो वी हैव अटेंडेड सर्विस वन डे, आज उतना टाइम है नहीं तो जस्ट। ये गाइस डाइनिंग हॉल है किंग्स कॉलेज का, तो यहाँ पे प्रॉपर अगर आप प्रॉपर शूट में आएंगे तो ही एंटर कर सकते हैं, ये यहाँ का रूल है।
सो गाइस अभी हम हैं ये जो किंग्स कॉलेज है उसके ग्राउंड में। तो ये आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे हैरी पॉटर की भी बाकी बहुत सारी जो हॉलीवुड मूवीज़ है वहाँ की शूटिंग हो रखी है। तो ये पूरा बैकग्राउंड आपको मैं दिखाता हूँ। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी एनीवेज दूसरी क्लिप्स भी है, तो उसमें आपको अच्छे से देखने को मिलेगा सब कुछ। तो आज काफ़ी यू नो फर्स्ट टाइम अच्छा यू नो यहाँ पे आए हम, रिकॉर्ड कर पाए। सर्विस हम अटेंड नहीं कर रहे, बिकॉज सर्विस अगर अटेंड करते हैं तो एक घंटे के लिए अंदर रहना पड़ता है, वो सब के रिचुअल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़। तो दैट्स यू नो वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बट आज हम काफ़ी थक चुके हैं। दिन में एक प्रोग्राम अटेंड किया था, इस्कॉन एक कम्युनिटी है, तो बड़ा अच्छा लगा। तो बस वो सब चीज़ करके धीरे धीरे, ये देखिए पीछे व्यू, तो सारी चीज़ें अपडेट करने वाला हूँ आपको मैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो ये गाइज मेन चैपल है जहाँ पे सर्विस होती है, जो प्रेयर होती है वो मेन चैपल। और ये पीछे ग्राउंड वाला व्यू दिखाता हूँ आपको, ये वो मोत्स वाला गार्डन में बता रहा था आपको। इसको लाइक प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा हुआ। तो ये वो देखिए आप फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो ये सारे रिसर्च पर्पस के लिए, जो बच्चे होते हैं उनके लिए, टू रियर बटरफ्लाइज एंड मोथ्स, सो दैट इज़ द मेन पर्पस। वहाँ सामने रिवर है, रिवर कैंप, जहाँ पे ये देखिए ब्रिज है जो। तो यहाँ पे बच्चे पंटिंग करते हैं, तो पंटिंग, ये देखिए पंटर आपको दिख रहा होगा, बाकी क्लिप्स में मैंने आपको अच्छे से दिखाया हुआ है। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द दिस ब्यूटीफुल किंग्स कॉलेज, किंग्स चैपल एंड ऑल द थिंग्स। वो देखिए थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ का कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो डोर के बारे में थॉमस भाई बता रहे हैं, तो अगर ये डोर क्रॉस कर लिया तो बंदा फेल हो जाता है, तो इसलिए कह रहे हैं मैं कभी क्रॉस नहीं करना चाहता। जैसे कि न्यूटन सर ने डिस्कवर किया था, जहाँ पे एप्पल गिरा था और सारी हमारी ज़िंदगी में दुविधा शुरू हुई थी, तो ये वो ट्री है। एंड सो ये सैपलिंग उस टाइम से चलती हुई आ रखी है, एंड ये अपना जीता जागता एग्जांपल है।